जय हिंद साथियों, मैं लखनऊ से दिनेश बाबू। उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, साथियों, जैसे कि मैंने पूर्व की ऑडियो में कहा था और संकल्प लिया था कि 1 जनवरी 2023 को निश्चित रूप से हमारा कार्यक्रम होगा। दुनिया की कोई ताकत इस कार्यक्रम को रोक नहीं सकती है। इसी सोच और विचारधारा के साथ में मैं कहना चाहता हूं साथियों कि 1 जनवरी में जो मेरा कार्य सरकार की तरफ सकारात्मक कार्य गया है, वो साथियों निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका है। एलआईओ के माध्यम से साथियों बता देना चाहता हूं, इसी क्रम में हमने सोचा था कि संख्या अगर अपार होगी तो हम वहीं पर बैठ जाएंगे और जब तक कुछ मिल नहीं जाता वहां से हटेंगे नहीं। लेकिन साथियों, माननीय विधायक के द्वारा वहां के प्रशासन ने आश्वासन दिया कि आगे आप कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। साथियों, कुछ चीजें होती हैं जो स्वीकार करनी पड़ती हैं। साथियों, संगोष्ठी के बाद हम इसका विरोध नहीं कर सकते थे, इसलिए कई साथियों ने कहा हमारा मुख्य उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री तक संदेश पहुंचाना है कि हम लोग 1.5 लाख शिक्षा मित्र महाराज आपके नेतृत्व में, आपके विभाग में हम पढ़ाते हैं 22 सालों से। आज एक शिक्षक को 60,000 मिलते हैं, दूसरे शिक्षा मित्र को 10,000 रुपए। आपने कहा था 3 महीने में समाधान हो जाएगा, आज 6 साल हो गए। हमने जो कार्यक्रम किया, अन्य विनय का कार्यक्रम किया साथियों, ये सकारात्मक कार्य गया पहले वर्ष में, पहले दिन में। साथियों, ये बात तो समाप्त होती है। एक बार मैंने पूर्व के ऑडियो में यह भी कहा था कि 1 जनवरी को उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र, जितने भी संगठन बने हुए हैं, आओ हम सब लोग गले मिलेंगे, एक दूसरे को फूल देंगे और एकता का परिचय देंगे, एकता का परिचय देंगे। साथियों, हमारे लखनऊ के साथी कई संगठन से जुड़े थे, चाहे वो आदर्श के हों या सुकमा शुक्ला जी के हो, अन्य संगठन के भी लोग हमारे पास आए और मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। हमारे लखनऊ के साथी निस्वार्थ भाव से शिक्षा मित्र के कल्याण के लिए पूरा पूरा सहयोग दिया, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, हमारा उद्देश्य संगठन बनाना नहीं, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है, शिक्षा मित्रों को न्याय मिलना चाहिए, वो चाहे किसी भी बैनर तले मिले, कोई भी दिलाए, कोई भी संगठन दिलाए। साथियों, मैं आम शिक्षा मित्रों से एक निवेदन करना चाहता हूं और आने वाले दिनों में 11 और 12 तारीख को स्वाभिमान जो रैली निकलेगी साथियों, उसमें प्रतिभाग करें, अधिक से अधिक संख्या में उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र परिवार सहित आए, जितने भी संगठन बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में, सभी को उसमें भागीदारी होना अति आवश्यक है। समय बहुत कम है साथियों, ये समय बार बार नहीं मिलता है, जीवन बार बार नहीं मिलेगा। साथियों, आओ हम शिक्षा मित्र को न्याय के लिए, कल्याण के लिए। दिनेश बाबू चाहता है कि एकता के सूत्र बंद करके शिक्षा मित्रों को न्याय मिले। दिनेश बाबू चाहता है कि हम सब मिलजुल करके शिक्षा मित्रों को न्याय दिलाएं। साथियों, मैं इतना ही कहूंगा कि जब तक सफल ना हो, नींद चैन की त्यागो तुम, मंजिल जरूर मिलेगी। आओ साथियों, आपकी छुट्टियां हैं, आप अपने अपने घरों से निकलिए और जो भी शिक्षा मित्र के हित के लिए, कल्याण के लिए कार्य करे, निस्वार्थ भाव से साथियों हमें सहयोग करना है। लखनऊ के साथियों से निवेदन है
कि उठो जागो, हमारा कहीं भी कोई भी हित कर रहा हो, हमें पूरी ताकत के साथ में आना है और सरकार को से निवेदन करना है अन्य विनय के तरीका से। साथियों, ये सरकार सबकी सरकार होती है, लोकतंत्र में सबको आज़ादी है अपने हक और अधिकार मानने का। मेरे भाइयों, दिनेश बाबू ने संकल्प लिया है 1 तारीख को कि 1.5 लाख शिक्षा मित्र है, 3 लाख शिक्षा मित्र एक दिन बना के रहेंगे। मेरे भाइयों, विचलित मत होना, सफलता जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। साथियों, मैं लखनऊ से दिनेश बाबू, जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।